नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सदन का यह पहला सत्र है। इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर रामनिवास गोयल ने 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष के नेता मुझे और मनीष सिसोदिया को देखकर दुखी होंगे। मोदी जी ताकतवर है, अथा पैसा है उनके पास, लेकिन मोदी भगवान नहीं है, कोई तो शक्ति है जो हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की दुआओं से मैं जेल से छूट कर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट का भी केजरीवाल ने शुक्रिया अदा किया। तो देश के मालिक, मैं 3-4 दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको, कुछ फायदा हुआ? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डीरेल कर दी, हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप कर दी। बड़ा खुश हो रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, आक्रोश भी हुआ और स्तब्ध रह गया मैं। देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है? ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है, ऐसे कैसे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली ठप करके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके, और वो खुश हो रहे हैं? क्या इतनी राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए? उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि उनको वोट मिल जाए। नॉर्मल वो देख चुके, 3 चुनाव से लगातार, 3 क्या, ये तो 25-27 साल से, 97 से बाहर हैं, तो 23 और 4 27 साल से वनवास है। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही, अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है। केजरीवाल 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में, कौन मना कर रहा है? ये मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए, आप 7000 स्कूल बनाओ ना दिल्ली में, कोई हमको पूछेगा ही नहीं। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर मैंने बनाए, आप उन 500 मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो, ये गलत बात है। ये जनता भी देख रही है, सब साफ हो जाता है जनता के सामने। आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है, जनता चुप रहती है वोट वाले दिन जब। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।